पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सरकार चाहे कानून व्यवस्था को लेकर चाहे कितने ही बड़े बड़े वादे कर ले, लेकिन वर्तमान में स्थिति एकदम विपरीत है। आज भी इंसाफ पाने के लिए जनता को इन भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मुरादाबाद की तहसील काट का सामने आया है, जहां रजपुर खद्दर निवासी विकलांग भाई पिछले कई वर्षों से पिता को सन 76 में मिले सरकारी भूमि के पट्टे की भूमि को लेने के लिए तहसील स्तर, जिला स्तर व मुख्यमंत्री से करते चले आ रहे हैं, और अधिकारी इनको सिर्फ आश्वासन ही देते रहते हैं। जबकि पिता को मिले पट्टे के सरकारी अभिलेखों में तीनों के नाम दर्ज हैं, फिर भी इनको इनकी भूमि का पता नहीं। इस संबंध में जब तहसीलदार प्रभा सिंह से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा इनकी भूमि जहां आ रही है उसके बारे चकबंदी वाले ही बताएंगे, और कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि योगी व मोदी सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास का सपना किस तरह पूरा हो पाएगा व इन विकलांगों को किस तरह इनकी भूमि मिलेगी। मेरा नाम मुसीबाल है। कहाँ के निवासी हैं? रसूलपुर के रहने वाले हैं, कस्बा सहजपुर। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारे बाप को सन 76 में पट्टा मिला था, वो आज तक हमें भूमि नहीं मिल पाई। पिताजी भी हमारे मर गए, माता भी मर गई। अब आज तक हम परेशान हैं, भागते दौड़ते अधिकारियों को दौड़े जाते हैं, थम्मा दे देते हैं, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं कि हमारी भूमि हमको मिल जानी चाहिए।